नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी क्लास में वर्णमाला चल रही थी। वर्णमाला की कुछ चीजें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं छूट गई थी, उनको मैं आज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। वो थे हमारे संयुक्त व्यंजन, व्यंजन ही छूटे हुए थे। छ त्र ज्ञ श्र, ये सारे अक्षर जो सबसे लास्ट में आते हैं, यारा लावा शा शा सा हा हा तक हमने पढ़ाया था। अब आगे का हमारा है छ त्र ज्ञ और श्र। इसमें से ये तीन जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। और ये हमारा जो अकेला श्रा है इसको कहा जाता है मिश्रित व्यंजन। दो डेढ़ डेढ़ अक्षर सब में इंक्लूड होते हैं, पर इन तीनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और इसको मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये तीनों ऐसे हैं जिसमें डेढ़ डेढ़ अक्षर इंक्लूड होते हैं, ये चौथा भी है जिसमें डेढ़ अक्षर ही इंक्लूड होते हैं, एक और आधा। वो किस तरह से इंक्लूड होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे छा बनता है, इसमें का नीचे मैं हलत लगा रही हूँ, दैट मीन्स ये पूरा अक्षर नहीं है। का प्लस शा, ये डेढ़ अक्षर आपका हो गया, ये बन गया आपका छा। त्र, जैसे नाम से ही त्र त्र त र, तो त प्लस र जुड़ के त्र आपका बन गया। ये तीसरा है ज्ञा। हम आमतौर पर इसको ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञान, ज्ञानी, इसी तरह की। पर एक्चुअल में इसको ज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञा। और इसके जुड़ने में भी ज्ञा प्लस इया आता है। अब चौथा हमारा आता है मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन में आपका जुड़ता है शा, शलजम वाला शा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शा प्लस रा, ये आपका बन गया श्रा। ये सारे व्यंजन डेढ़ डेढ़ अक्षर मिलके बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इतने आपके हैं संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ और श्र आपका हो गया, ये सारे हो गए सॉरी संयुक्त व्यंजन, और त्र आपका हो गया मिश्रित व्यंजन। और कुछ चीजें आपकी जो बची हुई थी वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगला हमारा बचा था दंतोष्ट। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, दांत, जिसको बोलने में दांत और होंठ दोनों का सहारा लिया जाए, वो व्यंजन दंतोष्ट व्यंजन कहे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वा, वा, वा हमने बोला तो दांत और होंठ दोनों का सहारा लिया गया, वा। और क्या हो गया? फा, फा नहीं, जिसके नीचे नुक्ता लगा हो वो फा। वा और फा ऐसे अक्षर हैं जिसमें दांत और होंठ दोनों का सहारा लिया जाता है, वो आपके होते हैं दंतोष्ट व्यंजन। अब एक आता है नेक्स्ट, आपका आता है दंतमूल। दंतमूल, दंत मतलब दांत हो गया, मूल मतलब जड़ों, उसकी जड़ें। तो जिन अक्षरों को बोलने में दांत की जड़ों का सहारा लिया जाता हो वो अक्षर दंतमूल अक्षर कहे जाते हैं। जैसे जिसमें दांत, जिस अक्षर को बोलने में हम दांत, जो हमारी जीभ होती है वे दांत की जड़ों पर लगती है, वे कौन कौन से अक्षर होते हैं? सा, सा, सा बोल के देखे, सा, तो हमारी जीभ दांत की जड़ों में लगती है। जा, जिसके नीचे नुक्ता लगा हो, जा, जा। रा, रा हमने बोला हमारी हमारी जीभ दांत की जड़ों पे लगा। और ला, ये चारों अक्षर आप प्रैक्टिकली बोल के देख लीजिए। जैसे नाम तो आपने जान लिया दंतेष्ट दंतमूल, तो ये प्रैक्टिकली, हिंदी एक प्रैक्टिकल भाषा है जिसको वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। आप चाहें तो प्रैक्टिकली इसको, हर जितनी भी डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, जितने भी वर्ड्स बताए जा रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि ये सारे कैसे व्यंजन हैं, ठीक है?
अब आपकी जो चीजें पिछले वीडियो में मैंने बताई थी एग्जाम के दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है, एक एक बार मैं फिर से दोहराती हुई चलती हूँ। स्वर आ से लेके आओ तक, ये जितने भी हैं हमारे क्या है, सब सगोस और अल्प प्राण, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ हाँ जनरली लोगों के दिमाग से स्लिप हो जाता है, कई बार मेरे ही दिमाग से स्लिप हो जाता है। अल्प हमारा क्या है, हाँ क्या है हमारा, महाप्राण है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ महाप्राण है। अगर हम सघोष की बात करें, सघोष हमारे होते हैं, पहले हम अघोष लिखते हैं, जैसे आपको बताया था सीक्वेंस वाइज, अघोष हमारा हो गया 1 2, सघोष हमारे हो गए 3 4 5, अल्पप्राण हमारा हो गया 1 3 5, महाप्राण हमारा हो गया 2 और 4। अब इसमें ये आएगा हमारा अल्पप्राण, यारा लावा, इसको बोलने में कम एनर्जी लगी, जैसे अल्पप्राण में मैंने आपको बताया था कि बोलने में एनर्जी कम लगती है, यारा लावा, श श सा, हा, पर हा क्या है हमारा, महाप्राण है, लेकिन महाप्राण होने के साथ, हाँ हमारा महाप्राण है, महाप्राण होने के साथ साथ ये सघोष भी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ये इतनी चीजें इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन हमने कौन से बताए थे, ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी रखी हो, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन थे। ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अघोष पूछ लिया जाता है, सघोष पूछ लिया जाता है, अल्पप्राण महाप्राण, या स्वर हमारे किस श्रेणी में आते हैं, दंत मूल व्यंजन कौन से हैं, या ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन ये हमारे ऊष्म व्यंजन में आ गए। तो ये सारी चीजें आपकी नोट करने वाली हैं और याद रखने वाली हैं, हर चीजें। अब हिंदी आपको समझना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक बार आपने शुरू से आखिर तक पढ़ लिया तो फिर आपका पूरा रास्ता क्लियर है, कभी वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।